झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का भरा जा रहा दम। मंत्री इरफान अंसारी ने इंडी गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा बीजेपी का होगा सफाया। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे रांची, कहा सितंबर के पहले सप्ताह में झारखंड आ सकते हैं राहुल गांधी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने कमेटी भी आएगी। बाहुबली पूर्व मिले अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने AK-47 पर आमदगी मामले में किया रिहा। अनंत सिंह के घर पर बनाया गया जश्न। और झारखंड पुलिस का ऐतिहासिक कदम, राज्य में पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पुलिस लगा रही QR कोड, अब QR कोड स्कैन करते ही पुलिस पहुंचेगी आप तक। रांची में फिर हुआ सेक्स रैकेट का खुलासा, DSP के नेतृत्व में होटल मौर्या में छापेमारी, पुलिस ने 5 युवतियों को लिया हिरासत में। पटना में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, पटना जंक्शन पर चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, बम और डॉग स्क्वाड के साथ पूरे परिसर में सर्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुबराज और मेरे साथ AK-45 देख रहे हैं आप। आइए करेंगे खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो धनबाद से निकलकर सामने आ रही है। पता चले कि DC जिला दंड अधिकारी माधव मिश्रा के नाम से फेक व्हाट्सएप आईडी, जहां फेक व्हाट्सएप आईडी का नंबर आपको अगर हम बताएं तो 9478594872 है, और व्हाट्सएप आईडी में DC माधवी मिश्रा की तस्वीर भी लगाई गई है। तो देखिए, एक फेक व्हाट्सएप आईडी माधवी मिश्रा के नाम पर बनी है और उसमें माधवी मिश्रा की तस्वीर भी लगाई गई है। DC ने अधिकारियों, शुभचिंतकों और आम जनों से की है अपील, अनधिकृत अपील की है और सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क नहीं करने की अपील की है। DC ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क ना किया जाए और झांसे में ना आने और किसी भी प्रकार की कोई भी वार्तालाप ना करने की भी DC ने अपने शुभचिंतकों और अधिकारियों से अपील की है। इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अंबर कलश जुड़ गए हैं। जी अंबर, DC माधवी लता मिश्रा जो हैं उनका एक फेक व्हाट्सएप आईडी बनाया गया है और उसमें उनकी तस्वीर भी लगाई गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? ये देखिए सभा, यह जो ताजा मामला है जिसमें यह बात सामने आ रही है कि धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रुति माधवी मिश्रा जो है उनके नाम का एक फेक आईडी व्हाट्सएप आईडी जो है वो बनाया गया है, जिसमें के माध्यम से कई लोगों को जो है मैसेज भी किया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह जो आईडी बनाया गया है यह पिछले ठीक 24-48 घंटे पहले ही इसको क्रिएट किया गया है, जिसको लेकर के ये जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसको लेकर लगातार इस पर नजरें बनी होती है, जिसके बाद धीरे धीरे ये खबर लगातार सोशल मीडिया सहित और भी जगहों पर फैल जाती है। जिसके बाद आपको बता दें, इस संबंध में जिला उपायुक्त ने अपने अधिकारियों, शुभचिंतकों को और भी जो भी आम जन है उनसे अपील की है कि अगर इस जो व्हाट्सएप आईडी को क्रिएट किया गया या जो फेक आईडी है इससे अगर कोई मैसेज आते हैं या फिर किसी भी तरह की बात करने का प्रयास किया जाता है तो इसके झांसे में ना आए और साथ ही किसी भी प्रकार के कोई भी वार्ता करने से इससे बचे। साथ ही साथ यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस तरह की फेक आईडी बना के कुछ साइबर अपराधी लोग जो है वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई का भी बात कहा गया है। देखना होता है कि इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन पर कब तक कार्रवाई होती है। जी अंबर, वैसे DC माधवी मिश्रा ने लोगों से, शुभचिंतकों से ये अपील भी की है कि उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बातचीत ना की जाए। बहुत शुक्रिया अंबर जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, राज्य से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आपको पता चले कि झारखंड पुलिस का ऐतिहासिक कदम सामने आया है। पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पुलिस लगा रही है QR कोड। जी आप, राज्य पुलिस पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे QR कोड लगा रही है। आपको बता दें कि अब QR कोड स्कैन करते ही पुलिस पहुंचेगी आप तक। महिला सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस चला रही है ये विशेष अभियान,
सभी स्टार प्रचारक जगहों पर लगाई जाएगी सुरक्षा को लेकर QR कोड। तो राज्य पुलिस का ये विशेष पहल जिसको लेकर के पुलिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक प्लेसेस पर QR कोड लगा रही है। उनकी पहल आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस अब पब्लिक प्लेसेस और ट्रांसपोर्ट पर QR कोड लगा रही है और QR कोड स्कैन करते ही अब आप तक पुलिस पहुंच जाएगी। तो ये विशेष पहल राज्य पुलिस द्वारा किया जा रहा है महिला सुरक्षा को लेकर। झारखंड पुलिस चला रही है ये विशेष अभियान। आपको पता चले कि सभी सार्वजनिक जगहों पर लगाई जाएगी सुरक्षा को लेकर QR कोड। तो झारखंड पुलिस की तरफ से ये विशेष अभियान जहां पर झारखंड पुलिस का ऐतिहासिक कदम देखने को मिला है। इसके तहत पुलिस अब पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर QR कोड लगा रही है और आप जैसे ही उस QR कोड को स्कैन कीजिएगा किसी परेशानी में किसी दुविधा में और जब आपको ये एहसास हो कि आपको पुलिस की जरूरत है तो QR कोड स्कैन करते ही पुलिस आप तक पहुंच जाएगी। मात्र आप एक QR कोड को स्कैन कीजिएगा और पुलिस आप तक पहुंचेगी। तो इसी के मद्देनजर अब पुलिस लगा रही है QR कोड। आपको पता चले कि महिला सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस काफी सक्रिय है और इसी को लेकर के पुलिस का ये अभियान देखा जा रहा है जिसके तहत पुलिस गाड़ियों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक प्लेसेस में अपना QR कोड लगा रही है। कांग्रेस के दिल्ली में सभी प्रदेश अध्यक्षों को प्रभारी और महासचिवों के साथ बैठक हुई है। इसके बाद झारखंड के स्क्रीनिंग कमेटी के साथ प्रभारी और अध्यक्ष ने बैठक की है। बैठक के बाद राज्य वापस लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में झारखंड दौरे पर राहुल गांधी आएंगे और साथ ही झारखंड में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने और कमेटी भी आएगी। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की है। हमारे संवाददाता चित्रंजन ने आप भी सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक कर और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक समाप्त करके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली से वापस लौटे हैं। अध्यक्ष जी दो बैठकें थी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम जो प्रदेश के अध्यक्ष है प्रभारी और महासचिव उनके साथ पहली बैठक थी, दूसरी बैठक स्क्रीनिंग कमेटी के साथ पहली बैठक जो है वो थी। देखिये, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बैठक हुई। सभी राज्य के अध्यक्ष और जो राज्य के प्रभारी सभी लोग उस बैठक में शामिल हुए। सभी राज्यों पर अपनी अपनी बात कहने का सबको अवसर मिला और किस तरह से हमको सदन की बात को सड़क तक पहुंचाना है, घर घर जाकर के बताना है कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, किस तरह से जो कास्ट सेंसस है उसको कराना है, किस तरह से करप्शन को भगाना है, तो उन सारी चीजों पर घर घर जाकर चर्चा करना और फीडबैक लिया गया कि अभी तक आप क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने कहा बताया कि एक मुलाकात अपनों के साथ कार्यक्रम चल रहा है और जो लगातार जो एक यात्रा की बात हम लोग करते हैं उस यात्रा की पूरी तैयारी हर जिले में हो रही है और आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का समय मांगा हुआ है तो समय मिल जाए तो हम लोग उसको शुभारंभ करें। तो उधर से एक सहमति मिली है कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में संभवतः हम लोगों को समय मिलेगा उनका और यात्रा की शुरुआत की जाएगी और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उससे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है कि किस तरह से एक सिस्टम के साथ घोटाले हो रहे हैं और सब जो है सभी घोटालों का तार जो है अडानी से जुड़ा हुआ है और अडानी कौन है वो सब लोग जानते हैं। झारखंड की पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल थी, उस बैठक में क्या कुछ तय हुए क्योंकि विधानसभा चुनाव को? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की प्रथम बैठक थी और जो लोग बने हैं एक उनसे मुलाकात एक बात सब की गई है और उसमें ये तय हुआ है कि सभी एक फॉर्मेट में ही लोग आवेदन देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने कहा कि आवेदन हमने मंगाया है, 15 दिनों का समय दिया है और वो 15 दिन के बीच में भी आप लोग जब चाहें आए और यहां जो डिपार्टमेंट सेल्स और वरिष्ठ नेतागण हैं, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और बाकी जो विधायकगण हैं उन सभी लोगों से एक मुलाकात करें ताकि आपको जेन्युइन फीडबैक मिल सके और जो उम्मीदवार चयन बेहतर उम्मीदवार को चयन करना है
उसमें सहूलियत मिल सके। तो उस निमित्त वो लोगों ने कहा है कमेटी के सदस्य और चेयरमैन ने कि 20 अगस्त के बाद हम लोग दौरा करेंगे। बिल्कुल, तो दिल्ली दौरे से वापस लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी का भी झारखंड दौरा जो है वो उसका प्रपोजल है उनको सौंपा गया और सितंबर के पहले सप्ताह में झारखंड दौरे पर राहुल गांधी का आना हो सकता है। साथ ही साथ गठबंधन में सीटों को लेकर भी रोडमैप जो है वो तैयार किए जा चुके हैं। सहयोगी सदाब के साथ चित्रंजन कुमार, TV45 रांची। और देखिए एक और बड़ी खबर रॉयटर्स सर्कल के सामने आ रही है, जो आपको बताते चले कि मस्तराम मीणा, जी हाँ मस्तराम मीणा ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव के पद पर दिया योगदान। सरकार ने 10 अगस्त को पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश शर्मा का किया था तबादला। योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा को दिया गया था पेयजल विभाग का अतिरिक्त प्रभार। आपको पता चले कि पेयजल विभाग के पूर्व सचिव राजेश शर्मा ने मोबाइल पर दी अपनी रिलीविंग, उधर विभाग में हो गया हल्ला। जी हाँ, पता चले कि विभाग में हल्ला हो गया कि मस्तराम मीणा ने स्वतः किया पदभार ग्रहण, मोबाइल से रिलीविंग देने का ये अब तक का है पहला मामला। तो ये बड़ी खबर राज्य सरकार के सामने आ रही है, जहां पर मस्तराम मीणा ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव के पद पर योगदान दिया है। सरकार ने 10 अगस्त को पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश शर्मा का किया था तबादला। योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा को दिया गया था पेयजल विभाग का अतिरिक्त प्रभार। आप बता दें कि पेयजल विभाग के पूर्व सचिव राजेश शर्मा ने मोबाइल पर दी है रिवीलिंग, और इधर विभाग में हो गया है हल्ला के मस्तराम मीणा ने स्वतः किया है पदभार ग्रहण, मोबाइल से रिलीविंग देने का ये अब तक का पहला मामला है। जी हाँ, मोबाइल से जो रिवीलिंग दी गई है ये अब तक का पहला मामला है। और इस खबर पर पूरी जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए दीपक राशि से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या कुछ मामला है, इसको लेकर के क्या कुछ उनके पास अधिक जानकारी है। जी दीपक, मस्तराम मीणा ने पदभार संभाल लिया है और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव के तौर पर पद संभालते हुए उन्होंने अपना योगदान दिया, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी सभा, ये जो रिलीविंग होती है एक औपचारिकता होती है, जो नए आईएएस या अधिकारी जो ट्रांसफर होके आते हैं न्यू पोस्ट पे, तो उन्हें पुराने जो निवर्तमान आईएएस होते हैं वो रिलीविंग देते हैं और उनको कुर्सी पे बैठाते हैं। लेकिन ये नहीं हुआ, राजेश शर्मा जो तत्कालीन पीएचडी सचिव थे उन्होंने अपनी जो रिलीविंग थी वो मोबाइल पर यानी व्हाट्सएप पर भेजी और इस तरह जो है मस्तराम मीणा जो योजना एवं विकास विभाग के भी प्रधान सचिव हैं और पेयजल और स्वच्छता विभाग उनका अतिरिक्त विभाग है, प्रभारी व्यवस्था के तहत उनकी पोस्टिंग की गई है। तो मस्तराम मीणा ने स्वतः आज अपना योगदान दे दिया क्योंकि कार्य प्रभावित हो रहा था। और ये जो 10 तारीख को जो आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे उसमें एक और मामला फंसा है, पेच फंसा है। राज्यपाल की प्रधान सचिव जो बिप्रा भाल बनाई गई थी वहां पे नितिन मदन कुलकर्णी पहले से पदस्थापित हैं और राजभवन से यह मामला अब सामने आ रहा है कि नितिन मदन कुलकर्णी का जो तबादला किया गया उसमें राजभवन का कोई मंतव्य नहीं लिया गया। तो इस तरह के मामले आईएएस ट्रांसफर में देखने को मिल रहे हैं और राजेश शर्मा ने जो नई परंपरा स्थापित की है कि व्हाट्सएप पर रिलीविंग अपना दिया है, ये अब तक का 24 वर्षों के इतिहास में झारखंड में ये पहला मामला होगा। जी सभा जी, तो आखिर ऐसा क्यों? जी दीपक जी, आखिर ऐसा क्यों? ये जो मोबाइल से रिलीविंग दी गई है इसको, इसके साथ ही पूरे विभाग में हल्ला हो गया कि मोबाइल से रिलीविंग दी गई है और आप भी जैसा कि बता रहे हैं कि ये पहला मामला है। जी दीपक जी सभा, ये अक्सर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो उसमें जो निवर्तमान जो आईएएस होते हैं और उनकी जगह पर जो नए आते हैं योगदान देने के लिए तो एक परंपरा होती है, फोटो खिंचवाया जाता है रिलीविंग देने का, तो वो कागजी औपचारिकता होती है। लेकिन इस तरह का मामला जो मस्तराम मीणा जी के साथ हुआ ये गलत है, इस तरह की परंपरा का निर्वहन नहीं होना चाहिए, खासकर ब्यूरोक्रेसी में। तो दीपक जी, उसको लेकर के बातें तो हो ही रही होंगी और जिस तरह से हमारे पास भी खबरें हैं कि विभाग में हल्ला हुआ है इसको लेकर के कि मोबाइल से रिलीविंग दी गई है, तो इसको लेकर के क्या बातें हो रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? जो कि एक प्रक्रिया होती है उससे हट करके मोबाइल के जरिए देना और ये पहली बार है, बिल्कुल आप भी कह रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसा पहली बार ही देखा गया है, तो आखिर इस तरह की चीजें क्यों की गई, इसको लेकर के कोई बातें?
नहीं, सभा अभी जो विभाग में ये मर्मरिंग है, इस बात को दबाया जा रहा है कि रिलीविंग किस तरह मिली, और यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना पदभार जो है स्वतः ग्रहण किया गया, और इस बात को दबाया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए रिलीविंग दिया गया ताकि कर्मियों में किसी तरह का रोष या मतभेद न हो। जी सभा, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। खबरों की तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।